बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक मैजिकल फेस पैक तैयार करने जा रही हूँ, जिसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस फेस पैक के यूज़ करने से आपकी स्किन एकदम ब्राइट भी हो जाएगी और फ्रेश भी होगी। और उसके अलावा अगर आप लोगों के फेस पर वाइट हेयर्स, ब्लैक हेयर्स हैं, या अगर आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डल है, तो इसके यूज़ करने से इंशाल्लाह ताला आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे एक बाउल, और इसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करना है वो है कॉर्नफ्लोर। हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है 1 चम्मच। तकरीबन 1 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। इसमें विटामिन ई मौजूद होता है, जो कि हमारे चेहरे से दाग धब्बों को रिमूव करता है। और उसके अलावा हमारे स्किन पर एक अच्छी सी ग्लो भी लेकर आता है, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में मदद भी देता है। और नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है लेमन जूस। हम लोगों ने यहाँ पर 1/2 चम्मच यूज़ करना है। लेमन एक ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करता है, हमारे स्किन पर एक ग्लोइंग लेकर आता है, और उसके अलावा हमारी स्किन को फ्रेश भी बनाता है। 1/2 चम्मच हम लोगों ने यहाँ पर लेमन जूस यूज़ किया है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है एलोवेरा जेल। हम लोगों ने यहाँ पर एलोवेरा जेल हम लोग यहाँ पर 1/2 चम्मच यूज़ करेंगे। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है, और हमारे स्किन से ये हमारी स्किन को डीपली क्लीन भी करती है। उसके अलावा हमारी स्किन को ये फ्रेश भी बनाती है। उसके अलावा जो एलोवेरा जेल है, ये हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छी है, और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमारे पास एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों को ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जैसा कि वाइट क्ले मास्क होता है। या आप लोगों को ये अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसे फुल फेस पर अप्लाई करना है। फुल फेस पर अप्लाई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप इसे लगा रहने दें। जब ये ड्राई हो जाए तो अपनी स्किन को वॉश कर लें। आप लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट यूज़ से ही आपकी स्किन एकदम से वाइट एंड ब्राइट हो जाएगी। आपकी स्किन एक अच्छा सा आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा, और उसके अलावा ये आपकी स्किन से रिंकल्स को रिमूव करेगा। साफ ज़ाहिर है कम्प्लीट तो नहीं, लेकिन आपकी स्किन में काफ़ी हद तक रिंकल्स ख़त्म हो जाएंगे या कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके अलावा ये आपकी स्किन को एकदम से फ्रेश भी बना देगा। इस फेस पैक को वीक में 2 से 3 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं। इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स कोई भी लोग आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इस रेमडी को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और इसके रिजल्ट्स भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।